और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए। उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी देखभाल और उसकी व्यवस्था के संचालन के लिए अमृत योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर अब तक 12 करोड़ 70 लाख नए नल कनेक्शन यानी पेयजल की उपलब्धता के लिए इतने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और साथ साथ 95 लाख सीवर के कनेक्शन भी पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी 60 अमृत योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 60 नगरों में लागू की गई है और इसमें 121 पेयजल की स्कीम भी अब तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सीवर और सेप्टेज के भी 59 ऐसी परियोजनाओं को हम लोगों ने अब तक पूरा किया है जो प्रदेश के अंदर स्वच्छता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है। जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर नल की योजना से आच्छादित करने की प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। देश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम लागू हुआ है और उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में जहां इस योजना को लागू किया है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2022 तक इन जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर तक पाइप पेयजल की स्कीम को हम लोग वहां क्रियान्वित कर देंगे और इसके साथ ही द्वितीय चरण में 66 जनपदों के 33,000 ग्राम पंचायतों में भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना आजादी के बाद भी देश के अंदर लगभग 3 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर एक घर में विद्युत पहुंचाने का कार्य किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 1,41,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत, यानी समृद्ध किसान ही समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकता है और यह कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को मिले सम्मान के माध्यम से उसकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। पहली बार आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो यह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपने देखा होगा कि 11 करोड़ 78 लाख किसान इस योजना से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 55 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। 11वीं किस्त भी उन्हें अब कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2 करोड़ 55 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुका है और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 47,397 करोड़ 48 लाख रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उपलब्ध हो चुका है। सॉयल हेल्थ कार्ड, हम सब इस बात को जानते हैं कि जो धरती माता हमें अन्न उपलब्ध कराती है